ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उन्नाव रेप पीड़िता एक्सीडेंट मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये हादसा था या जानबूझकर एक्सीडेंट किया गया है। ये तो पुलिस जांच में ही खुलासा होगा, मगर जिस ट्रक ने टक्कर मारी है उस ट्रक के नंबर प्लेट पर ग्रीस पोती गई थी, यानी नंबर छिपाने की कोशिश की गई। वही रेप पीड़िता की माँ इस पूरे घटना पर बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर पर आरोप लगाया है कि जेल में रहते हुए भी कुलदीप सिंह सेंगर फोन कर सारा काम अपने गुर्गों से करवाता है। दरअसल पीड़िता अपने परिवार और वकील के साथ जेल में बंद अपने चाचा से मिलने रायबरेली जा रही थी। इस दौरान रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने ट्रक चालक और मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरटीओ से बचने के लिए ओवरलोड ट्रक वाले नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करते हैं, मगर वही शक और गहरा तब हो जाता है जब जिस ट्रक से टक्कर हुई है वो ट्रक खाली है और नंबर प्लेट पर ग्रीस लगा होना कई सवाल पैदा करता है। और सबसे अहम बात यह है कि हाई कोर्ट के दखल के बाद पीड़िता को प्रशासन की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, मगर जिस वक्त टक्कर हुआ उस वक्त पीड़िता के साथ कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था और पुलिस इस पर जांच का विषय बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है। वहीं इस कार में मौजूद इस केस में सभी लोग सीबीआई के गवाह थे। हादसे में दो गवाहों ने दम तोड़ दिया, वहीं मुख्य गवाह यानी पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। आदमी पीछा कर रहे थे मेरा नवीन है नबीन और चाची को मेरी धमकी भी मिली थी। लड़का है दो जने, ये सब वहाँ पर माहौल लग जाते हैं भैया, आफत कर देते हैं, मुंह बांध बांध करके नबीन जो है ना, और चाची को मेरी धमकी भी देते हैं, इसको ऊपर पहुँचा दो पैर भी करने वाला कोई न रह जाए। हमको पता चला है कि विधायक के मना ही करा दिया और इसकी किसने बताई ये बात के विधायक जी ने? हमको ऐसे मालूम हुआ कि मतलब बहुत दिन से कहते थे इनके बत्ता में जा बत्ता मानी जाते रहे तो ये कहे के लिए अभी तो महेश सिंह अंदर अभी सजा भय है, अभी ये मर जाए इसकी वाइफ तो सब लोग अंदर चले जाए, मतलब पेट तो चली जाए पेट तक ही माँ चली जाए। क्या एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया है ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। वहीं ये जांच का विषय है कि क्या वाकई में हादसा था या फिर सोची समझी साजिश रची गई थी, ये तो जांच में ही खुलासा होगा। वहीं ये भी जानकारी सामने आ रही है कि घटना के दिन सुरक्षा कर्मियों को उन्होंने खुद लेने से मना किया था। आईजी कानून व्यवस्था प्रवीण कुमार का कहना है कि महानगर स्थिति एफएसएल की टीम रायबरेली भेजी गई है और घटना की सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।